हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज सीरीज का थर्ड लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये काफी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें आपके प्रीलिम्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड आपके मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केएस प्रीलिम्स का एक छोटा सा कोर्स चल रहा है जिसमें हम देखते हैं कितने सारे सब्जेक्ट्स हम जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, पहले चैनल का थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। इस पे मैं कोर्सेज करवा रही हूँ आपके जेके एस एस बी के एंड सिविल सर्विस एग्जाम्स के। ठीक है, तो क्या आपको करंटली मेरी चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं। एक हमारा नायब तहसीलदार का कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। एंड केएस का जो मेन्स बैच है वो भी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। पटवारी की टेस्ट सीरीज करंटली ऑन गोइंग है एंड सोशोलॉजी ऑप्शनल बैच भी अगस्त में स्टार्ट होने वाला है एंड जूनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज भी करंटली चल रही है। ठीक है, तो सारी चीजें अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं एंड ये परचेज करना चाहते हैं, आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको मेरी वेबसाइट पे जाके सारे कोर्सेज जो है परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट मैंने आपको बोल दिया था, ठीक है। प्री हिस्टोरिक एज हमने डिस्कस कर लिया था पहले। प्री हिस्टोरिक एज उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो भी हो गया था, दैट इज अ पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था चालकोलिथिक एज एक आई थी जो आपके 4000 to 1000 BC उसकी टाइमलाइन थी। चालकोलिथिक एज ये वो एज थी जिसमें मेटल्स का यूज होने लगा। ठीक है, एंड कौन से मेटल्स मेजरली यूज होते थे, आपके कॉपर एंड आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसको स्टोन कॉपर एज भी बोला जाता है क्योंकि जो स्टोन टूल्स खासकर नियोलिथिक पीरियड में यूज होते थे, ऐसा नहीं है वो स्टोन टूल्स एकदम से खत्म हो गए एंड आपका मेटल स्टार्ट हो गए। तो पुराने टूल्स भी कुछ कॉन्टिन्यूटी में चलते एंड साथ साथ हम नए मेटल्स जो है उनका स्टार्ट भी यूज भी करने लगे, तो इस वजह से इसको स्टोन एज भी बोला जाता है। फिर चालकोलिथिक में हमने क्या किया, इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट कल्चर्स देखे। एक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड वन हमने देखा चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स। ठीक, एंड तीसरा वाला हमने देखा कॉपर होट कल्चर्स, यहाँ पे वन है। ठीक है, कॉपर होट कल्चर्स, तो इनके बारे में हमने थोड़ी डिटेल्स पढ़ी। फिर मैंने आपको कहा इसमें से सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसने सरवाइव किया एंड सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, इसको वर्ल्ड की मेजर अर्बन सेटलमेंट्स में से एक सेटलमेंट माना जाता है। मेजरली वर्ल्ड की 3 अर्बन सिविलाइजेशंस थी, एक आपकी इजिप्ट वाली थी, मेसोपोटेमिया, एंड एक आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको कहा इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। फिर इसका एक्सटेंशन हमने देखा कहां से कहां तक होता है, इसके हमने कुछ फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक, तो पहले हमने जनरल फीचर्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं वो डिस्कस किए, उसके बाद हम सेपरेटली इसकी सिटीज भी डिस्कस करेंगे। इसको हरप्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि हरप्पा जो है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी कंसिडर की जाती है, हरप्पा एंड मोहनजोदारो, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हरप्पा सिटी में हमने देखा टाउन प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट थी, टाउन प्लानिंग। फिर हमने ग्रिड सिस्टम देखा, ये सारा मैं रिवाइज करवा रही हूँ जो हमने पुराने लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सिटीज जो थी वहां की वो 2 एरियाज में डिवाइडेड थी, एक आपका सिटेडल था एंड एक लोअर टाउन था। फिर हमने ग्रैनरीज देखा जो कि लार्ज बिल्डिंग थी जहां पे क्या होता था, आपका ग्रेन वगैरह स्टोर होता था। ठीक है, आगे देखते हैं हरप्पन ट्रेड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। वो अर्बन सेटलमेंट इसीलिए कंसिडर की जाती है क्योंकि उनका ट्रेड काफी एक्सटेंसिव था। एक तो सिविलाइजेशन आपस में इंटरनली भी सिटीज के बीच में ट्रेड था एंड एक्सटर्नल भी ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, तो इस वजह से इसको बोला जाता है, एक तो कंसिडर किया जाता है इसको लाइफ लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। सेकेंडली आप याद रखोगे ट्रेड जो था इट वॉज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। फाइन, जो एक्सटर्नल ट्रेड था वो मेनली किसके साथ था, एक्सटर्नल ट्रेड वॉज, एक्सटर्नल ट्रेड वॉज मेनली विथ मेसोपोटेमिया। ठीक है, एंड मेसोपोटेमिया कौन सी कंट्री है, जो आपका प्रेजेंट डे इराक है ना, दैट इज योर मेसोपोटेमिया।
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। प्लस मेसोपोटेमिया के साथ साथ और भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जिनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो कौन सी? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, एंड ईरान। तो इसको शॉर्ट में आप टाई करके भी याद रख सकोगे, टी रख सकते हो, टी ए आई, टाई, ठीक है। इनके साथ इनका क्या था? सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड था। अब मेसोपोटेमिया के साथ ज्यादा इनका ट्रेड कैसे था वो हमें दो चीजों से पता चलता है। एक तो जो मेसोपोटेमियन टेक्स्ट हैं, ठीक है, वहां पे फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया है ट्रेड विद अ कंट्री नेम्ड मल्यूचा, ठीक है। एंड हिस्टोरियंस का कहना है ये जो मल्यूचा था इट वॉज नथिंग बट वट दे यूज टू कॉल इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ट्रेड विद मलूचा दैट वॉज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और याद रखो जो मेसोपोटेमियन सील्स हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी डिस्कवर हुई हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एंड मेसोपोटेमिया में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिलती हैं, तो मैं वाइसी वर्सा लिख देती हूँ। तो दोनों जगहों पे एक दूसरे की सील्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जिस वजह से भी हम ये जो है गेस कर सकते थे कि मेसोपोटेमिया के साथ इनका ट्रेड जो है वो काफी अच्छा था, ठीक है। प्लस और एक बात यहाँ पे भी याद रखो, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में एविडेंस मिलता है, एविडेंस फॉर सी ट्रेड। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने लोथल, एक जगह है गुजरात में लोथल, वहां से हमने डिस्कवर किया एक डॉक यार्ड। डॉक यार्ड क्या होता है? जहां पे आपकी वो शिप्स वगैरह आके जहां पे रुकती हैं, ठीक है, बाद में फिर से वहां से आगे उनको दूसरी जगह पे भेजा जाता है। तो वो जो डॉक है वो कहाँ से डिस्कवर हुआ? लोथल से। एंड इट वॉज ए पार्ट ऑफ ए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। प्लस और एक चीज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो सील्स मिलती हैं, या हरप्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो जो सील्स हैं हरप्पन सील्स, उन पे हमें शिप जो है वो बनी हुई देखने को मिलती है। अगर ऐसी सील होगी, सील मीन नथिंग बट जो स्टैम्प होती है उनकी, ठीक है, उसमें ऐसी एक बोट जैसी दिखी थी, जिससे उन्हें ये गैस किया कि सी ट्रेड जो है वहां पे एग्जिस्ट करता था, क्योंकि एक डॉकयार्ड भी मिला है जहां पे आपके जो शिप्स वगैरह हैं वो आती थी। एंड वहां के जो सील है वहां से हमें शिप भी, उन सील्स पे हमें शिप भी देखने को मिलती है। प्लस एक हरप्पन ट्रेडिंग कॉलोनी, हरप्पन ट्रेडिंग कॉलोनी, ये डिस्कवर हुई है अफगानिस्तान में। नाम क्या था? शोरतगाय, के शॉर्ट गए। एक हरप्पन ट्रेडिंग कॉलोनी जो कहां से मिली, कहां पे हमें मिली है? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कहा था जो चालकोलिथिक कल्चर है, हमने वहां पे तीन डिस्कस किए थे। एक तो इंडस वैली था आपका, चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर थे, एंड आपके कॉपर होट कल्चर थे, फाइन। वो तीनों सर्वाइव नहीं कर, वो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाए थे ज्यादा टाइम तक, क्योंकि वहां पे वो सारी जो सर्वाइव करने के लिए चीजें चाहिए वो वहां पे नहीं थी, जैसा अच्छा क्लाइमेट, ठीक है, अच्छी सॉइल, वाटर एंड ऑल दैट, इस वजह से। लेकिन जब तक वो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड उनके साथ भी हुआ करता था, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कॉपर मंगवाती थी आहार से। आहार कहाँ पे? राजस्थान में। आहार कल्चर राजस्थान। अगर आपको याद होगा, आहार मैंने आपको कहा था, याद रखो जो चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स थे वहां पे प्लेसेस कैसे, जोका माँ, ठीक है। वो जोका माँ क्या नाम है, अगर आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो कॉपर हम कहाँ से मंगवाते थे? आहार से। प्लस गोल्ड कहाँ से मंगवाया जाता था? गोल्ड मंगवाया जाता था साउथ इंडिया से, ठीक है। तो ये था हरप्पन ट्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं हरप्पन पीपल, कि वहां के जो लोग थे वो किस रेस को बिलोंग करते थे। तो हरप्पन पीपल जो थे वो फोर रेशियल स्टॉक्स को बिलोंग करते थे। फोर रेशियल स्टॉक्स पहले आपके थे,
जो पहले वहां पे सेटल हुए थे सबसे, नेग्रीटो, जो आपके अफ्रीका वगैरह, यहाँ पे अंडमान निकोबार, वहां पे जैसे जारावा ट्राइब है, सेंटिनल्स है, वो देखने को मिलते हैं। सेकेंड वन टू सेटल वर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए। थर्ड वन वॉज योर मंगोल, मंगोल्स, ठीक है, मंगोलाइट। मंगोलाइट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड फोर्थ वन वॉज योर मेडिटेरेनियन, जो आपके जावेडियंस हैं, ठीक है, जिनको जावेडियंस भी बोलते हैं, साउथ के लोग, वो वाली रेस। इन चार, आप जो मेन चार थे, इनके साथ हमें दो और रेसेस देखने को मिलती हैं, टू मोर। फिफ्थ वन उनको बोलते हैं ब्रैकिसिफल्स या ब्रेकाइसिफल्स, वो हो गया आपके लोग जैसे लद्दाख, सिक्किम, ठीक है, वहां के। प्लस सिक्स वन, दैट इज लास्ट ग्रुप टू कम, वॉज नॉर्डिक रेस, ये हो गया आपके आर्यन रेस, पाकिस्तान, रीजन, पंजाब, हरियाणा, वो वाले लोग। तो ये वाली रेसेस हैं जो वहां पे हमें देखने को मिली थी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, हो गया हरप्पन रिलीजन, ठीक है। तो हरप्पन रिलीजन जो है पॉलिथिस्टिक रिलीजन कंसिडर किया जाता है। पॉलिथिस्टिक मीन्स मोर देन वन गॉड जो है उस पर बिलीव करते थे। एंड वो किसको वर्शिप करते थे, एनिमल्स को, ट्रीज को, बर्ड्स को, स्नेक्स वगैरह को। फैलस वर्शिप वो करते थे, फैलस वर्शिप होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या उनके जेनिटल्स, जिनकी वो टेरेकोटा इमेजेस बनाते थे। अर्थ को वर्शिप करते थे, अर्थ को मदर गॉडेस कंसिडर करते थे। इसका भी एक टेरेकोटा फिगर जो है वो मोहनजोदड़ो में डिस्कवर हुआ है, हम आगे देखेंगे। उस टाइम पे कोई टेम्पल्स नहीं थे, दैट मीन्स देयर वॉज नो प्लेस ऑफ वर्शिप। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, दे डिड नॉट नो अबाउट द आयरन। पहले आप हरप्पा एग्रीकल्चर देख लो। यहाँ पे हरप्पा एग्रीकल्चर जो था उसमें वीट कंसिडर किया जाता है प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ हरप्पन्स, ठीक है। राइस जो है डिस्कवर हुआ है गुजरात लोथल से, बार्ले डिस्कवर हुआ है हरियाणा बनवाली से, दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड कॉटन। एंड हमें दो एविडेंसेस मिलते हैं इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट एविडेंस है प्लोइंग एविडेंस, जिसे वो प्लो करते हैं, ठीक है। एंड वो प्लोइंग एविडेंस हमें कैसे पता चलेगा, फरो मार्क्स जो हैं, जब आप खुदाई करते हो तो वो निशान रह जाते हैं, जिनको फरो मार्क्स बोलते हैं। वो कलेगाबंद राजस्थान से डिस्कवर हुए हैं। एंड एक फिगर मिला है हमें प्लो का, टेरेकोटा फिगर, वो हमें डिस्कवर हुआ है बनवाली हरियाणा से। तो यहां तक हमारा हो गया, जो अभी तक हमने, एक तो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ फीचर्स जो है ओवरव्यू दिया पूरी सिविलाइजेशन का ही। सेपरेटली अभी तक हमने सिटीज जो है वो डिस्कवर नहीं की। फिर उसके बाद उनका थोड़ा एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वहां पे कैसे लोग थे, फाइन। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, उनकी जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनके बारे में कुछ और पॉइंट्स, एक जो मैंने आपको जनरल फीचर्स में हमने पॉइंट्स बोले वो, प्लस सम और पॉइंट्स, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो उनकी जो सिटीज थी उसमें हम पहले देखेंगे हरप्पा, ये जो सिटी है डिस्कवर हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आ सकता है कि कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, किस रिवर के वहां पे एरिया में वो डिस्कवर हुई थी, या उसका नाम आ सकता है कि किसने इस साइट को या इस सिटी बोलो उसको डिस्कवर किया था। तो हरप्पा सिटी जो है वो डिस्कवर की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम सहानी, ठीक है। एंड ही वॉज असिस्टेड बाय MS वत्स, MS वत्स जो थे वो इनके असिस्टेंट थे। आगे चलते हैं, हमने हरप्पा में क्या क्या पढ़ा था, टाउन प्लानिंग वगैरह वो हो गया था, ग्रैनरी ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लोअर टाउन था, एक सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, लोअर पार्ट था और एक सिटेडल था। जो लोअर पार्ट था उसको वर्कमैन्स क्वार्टर भी बोलते थे, वर्कमैन्स क्वार्टर, और कुली लाइन्स, KULLILINES, ठीक है, कुली लाइन्स, दैट इज योर वर्कमैन्स क्वार्टर। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी, एक कॉपर मिरर वहां से डिस्कवर हुआ था, कॉपर मिरर। और हमें वहां से दो स्टैच्यूज मिले थे, टू स्टैच्यूज,
डिपिक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी, दैट मीन दो स्टैचूज थे जो ह्यूमन एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो थे ह्यूमन के वो डिपिक्ट कर रहे थे, डिपिक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी दैट इज इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, और वो शिप वगैरह वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, वो हरप्पन से ही डिस्कवर हुई थी, वो सील जिसपे एक शिप की रिप्रेजेंट की गई थी। सेकेंड सिटी वॉज मोहनजोदारो, ये दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज थी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, एंड दोनों ही काफी अर्बन थी। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो है ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी थी, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये हमें कहाँ पे मिलती है, किस रिवर पे, रिवर इंडस, ये कहाँ पे आपके सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, एंड इसको किसने डिस्कवर किया था, आर डी बैनर्जी ने। आर डी बैनर्जी वॉज द डिस्कवर। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली है, पहली यहाँ पे ग्रेट बाथ मिलता है। ठीक है, वो एक बड़ा सा आज के जमाने का एक स्विमिंग पूल कंसिडर कर लो आप, कुछ रिचुअल्स वगैरह पे वहां पे बाथ करते थे लोग, वो एक ऐसे बड़ा एरिया बनाया होता था एंड यहाँ पे उसके दोनों साइडों से स्टेयर्स होती थी। ठीक है, एक ग्रेट बाथ, एक असेंबली हॉल जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, ग्रैनरी हमें यहाँ से भी मिली, और एक वर्कमैन्स क्वार्टर। ठीक है, जैसे हरप्पा साइट में डिस्कवर हुआ था वैसे यहाँ पे भी डिस्कवर हुआ था वर्कमैन्स क्वार्टर। एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, ठीक है, एक डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो है वो मोहनजोदारो से डिस्कवर हुआ था। स्टैच्यू ऑफ ए बियर्डेड मैन, गोल्ड यहां से डिस्कवर हुआ था। टेरेकोटा फिगरीन ऑफ मदर गॉडेस, टेरेकोटा फिगरीन ऑफ मदर गॉडेस। एक सील डिस्कवर हुई थी डिपिक्टिंग पशुपति शिवा। ठीक है, सील डिपिक्टिंग पशुपति शिवा, जो कि एक प्रोटो शिवा कंसिडर किए जाते हैं, प्रोटो शिवा। एंड एलिफेंट्स जो है वो कौन कौन से एलिफेंट के यहाँ पे इमेजेस टेरेकोटा फिगर्स डिस्कवर हुए हैं, टाइगर एलिफेंट, राइनोसेरोस, बफेलो। ये जो बफेलो है इनके फीट पे टू डेयर्स भी बने हुए मिले हैं, टू डेयर्स। ठीक है, एट द फीट ऑफ द बफेलो। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पे डिस्कवर हुआ है कॉटन क्लॉथ, डिस्कवर्ड कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट चीजें मोहनजोदारो के। आगे हम देखते हैं लोथल गुजरात, वो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। लोथल, लू से मैंने अलग सिटीज का नाम लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लोथल गुजरात। ठीक है, तो जो लोथल गुजरात है ये हमें मिला है रिवर फगवा पे, एंड इसको डिस्कवर किया है एस रंगनाथ राव। एस रंगनाथ राव, ठीक है, वहां पे क्या क्या मिला है हमें, एक डॉक यार्ड जैसा मैंने आपको कहा था पहले भी। सेकंड, हमें मेसोपोटेमियन सिलेंड्रिकल सील मिली है, मेसोपोटेमियन सिलेंड्रिकल सील।
इससे एक और चीज मुझे याद आ गई जो शायद मैंने आगे मेंशन करना भूल गई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं वो सर्कुलर एंड स्क्वायर होती थी शेप में, सर्कुलर एंड स्क्वायर। थर्ड वन, एक कपल का ब्यूरियल वहां पे मिला, एक कपल जिनको बरी किया गया था इकट्ठे, कपल ब्यूरियल। ठीक है, एंड राइस भी हमें लोथल से ही मिला है। तो ये सारी चीजें कहां पे मिली है? लोथल, गुजरात। उसके बाद और एक सिटी की तरफ चलते हैं, चानुदारो। चानुदारो कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में है। ठीक, तो ये है सिंध पाकिस्तान। कल मैंने आपको मैप में दिखाया था ना हरप्पा किस किस साइड से था, हरप्पन सिविलाइजेशन। तो किस रिवर पे है ये सेटल्ड? थी, आई मीन टू से, रिवर इंडस। एंड इनके डिस्कवरर कौन थे? एन जी मजुमदार। आपको क्या स्पेशल इनसे इस सिटी में देखने को मिलेगा कि वहां पे कोई सिटेडल नहीं था, जैसे जो सिटीज का डिवीजन था लोअर टाउन और सिटेडल में, चानुदारो में कोई सिटेडल नहीं था, मतलब वहां पे डिवीजन नहीं था। जो बीड्स बनाते हैं ना, बीड्स, तो बीड मेकर शॉप थी वहां पे, या आपकी गर्ल्स की जो एक्सेसरीज होती हैं उनमें ये बीड्स ऐड होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड, वेट, आई जस्ट करेक्ट इट। फर्स्ट नो सिटेडल, सेकेंड एक बी मेकर शॉप, थर्ड वहां से काजल मिला है हमें चानुदारों से, कुछ मेकअप आइटम्स मिले हैं, लिपस्टिक मिली है। एक इंक पॉट मिला है, एक इमेज मिली है ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, एक फिक्रीन मिला है डॉग चेजिंग अ कैट, दैट मींस डोमेस्टिकेशन ऑफ कैट एंड डॉग। उसका एविडेंस अगर एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा सीधे, मतलब नहीं, अगर नहीं भी आया डायरेक्टली कि डॉग चेजिंग अ कैट, ये फिक्रीन हमें कहाँ से मिला है, तो ऐसे भी अगर क्वेश्चन आएगा कि एविडेंस कहाँ से मिला है हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स एंड कैट, दैट मीन डॉग और कैट कहाँ पाले जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइड पे, दैट इज अ चानुदारो। ठीक है, एविडेंस किस चीज का है? ये डोमेस्टिकेशन ऑफ कैट एंड डॉग, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैट एंड डॉग। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्राफ्ट्स की प्रोडक्शन, जैसे बीड्स हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, एंड वेट मेकिंग, जो वेट्स वगैरह होते हैं ना मेजरमेंट करने के लिए, तो वेट मेकिंग। ठीक है, वो सारी चीजें कहाँ पे हमें मिलती है? चानुदारा में। आगे चलते हैं, आगे यहां से अब चानुदारो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिटी जो हमें देखनी है दैट इज अ कलिंगाबन। कलिंगाबन कहाँ पे है? राजस्थान। ये मिला है रिवर गागर हाकरा, गागर हाकरा। ठीक है, एंड डिस्कवर किसने किया है इसको? अलमंदा घोष, अमलंदा घोष, अमलंदा घोष ने डिस्कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं फायर आल्टर्स और कुछ ब्रिक्स देखने को यहाँ पे मिलती हैं, वो ब्रिक्स जिनको सन में ड्राई किया हो, तो सन ड्राइड ब्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस डेकोरेटेड ब्रिक्स। नंबरिंग दे देती हूँ, ऐसे याद करना आसान हो जाता है।
ठीक है। एंड यहाँ का एक इम्पोर्टेंट फीचर है डबल सिटेडल। तो अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि डबल सिटेडल इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस सिटी की किस साइट का पार्ट है, तो यू शुड नो इट वॉज कलिंगबन। ठीक है, कलिंगबन कहाँ पे? राजस्थान में। तो फायर ऑल्टर्स हमने देखा, सनड्राइड ब्रिक्स हमने देखा, डेकोरेटेड ब्रिक्स भी हमने देखे, फाइन। एंड कुछ डबल सिटेडल यहाँ पे था। अब डबल सिटेडल का क्या मतलब हुआ? सिटेडल मैंने आपको क्या कहा, एक पार्ट को फोर्टिफाई किया जाता था, मतलब उसकी दीवार बंदी अच्छे से होती थी, एंड एक लोअर टाउन था। तो यहाँ पे हमें डबल सिटेडल मतलब दोनों पार्ट्स जो है, लोअर टाउन जो है, लोअर टाउन भी और दूसरा जो सिटेडल होता था, ठीक है, जो अपर टाउन था, उसको भी, दोनों को फोर्टिफाई किया जाता था। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख लो, डबल सिटेडल अपर एंड लोअर टाउन। बोथ वर फोर्टिफाइड। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती थी। प्लस हमने इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखी थी, जो मैंने पहले भी कहा आपको, फरो मार्क्स। फरो मार्क्स, ठीक है, जो प्लोहिंग से वहां पे हुए थे। तो ये अलमंदा घोष, गागर हाकरा, फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स बेसिकली एक छोटा सा पिट जैसा, वो गड्ढा जैसा बनाते थे, जो बाद में रिलीजियस कोई सेरेमनी वगैरह होती वहां पे आग जलाने के काम आता था, दैट इज योर फायर ऑल्टर। सनड्राइड ब्रिक्स एंड योर डेकोरेटेड ब्रिक्स, ठीक है। डबल सिटेडल अपर टाउन, बोथ वर फोर्टिफाइड, एंड योर फरो मार्क्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपकी और एक सिटी है डोलावीरा, मैं यहीं पे इसको लिख देती हूँ, डोलावीरा, ताकि नोट्स में आपके ज्यादा पेजेस ना बने। ज्यादा पेजेस होंगे तो फिर रिवीजन के टाइम पे डर लगता है कि काफी ज्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, तो डोलावीरा कहाँ पे हमारा ये हुआ है डिस्कवर? कच्छ, गुजरात, एंड इसको डिस्कवर किया है, उनका नाम था जगपति जोशी। जगपति जोशी, तो इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे याद रखोगे, ये ओनली हरप्पन सिटी है दैट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, अभी तक हमने दो पढ़े, सिटेडल और लोअर टाउन, लेकिन इसको थ्री में डिवाइड किया था। एंड आगे चलते हैं, अब ये हमें थोड़ा अब नए पेज पे जाना ही पड़ेगा। एंड जो इसका सिटी प्लान था डोलावीरा का, डोलावीरा सिटी प्लान दैट वॉज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा था सिटी प्लान इसका, ठीक है, पैरेललोग्राम शेप का था, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जैसे मेजरली होते हैं वैसा नहीं था। सिटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, थ्री पार्ट्स। वो कौन कौन से थे? एक तो आपका लोअर टाउन, मिडिल टाउन दूसरा, एंड सिटेडल। ये जो टाउन्स अलग अलग थे, इससे हमें ये भी पता चला कि जो क्लास सिस्टम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था। ठीक है, एंड एक रिजर्वॉयर था यहाँ पे वाटर वगैरह सेव करने के लिए, रिजर्वॉयर। इससे ये भी पता चलता है हमें और एक चीज कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। एक साइन बोर्ड यहाँ से डिस्कवर हुआ है और एक सिट स्टेडियम भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम, और एक सिटी बनवा ली जो कहां पे, हरियाणा। एंड रिवर कौन सा था? अगेन घाघरा, घग्गर, घग्गर हकरा, ठीक है। एंड क्रॉप यहाँ का इंपॉर्टेंट था जो आपको याद रखना है, क्रॉप वॉज बार्ले। एंड इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या मिली थी? टेरेकोटा फिगर, टेरेकोटा प्लो मिला था, यह मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, एंड इसके डिस्कवरर कौन थे? डिस्कवरर आर एस भट्ट।
ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट सिटी जो हमें यहाँ पे देखनी है, लास्ट सिटी मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ, रोपर साइट। ये एक छोटी सी साइट थी, इट वॉज नॉट ए सिटी पर से, इसको रोपर साइट ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये मिलती है पंजाब में सतलुज रिवर पे, इसके डिस्कवर थे वाईडी शर्मा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई, डिस्कवर हुई थी चीज, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द बुरियल ऑफ डॉग विद द मास्टर, डिस्कवरी ऑफ द ब्यूरियल ऑफ द डॉग विद द मास्टर। ठीक है, एंड यहाँ पे इस चीज का एविडेंस हमें पता चलता है कि जो डिस्कवरी हुई थी ब्यूरियल की डॉग विद द मास्टर से, दैट मींस कहीं ना कहीं बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, कि सोचा होगा कि मास्टर डॉग जो मास्टर है उसको वहां भी डॉग की जरूरत पड़ेगी, या डॉग के साथ अटैचमेंट हो सकती है, डॉग को साथ लेके जाऊंगा आफ्टर लाइफ में। तो बिलीव था इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो किस साइट में बिलीव था लाइफ आफ्टर डेथ पे, वो कौन सी साइट थी, रोपर साइट थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें जो यहाँ पे हमें देखने को मिली है, इम्पोर्टेंट सिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आगे हम थोड़ा या वो अभी कर लेते हैं तो हमारा इंडस वैली कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट में हम वैदिक स्टार्ट कर सकते हैं। अब हु क्रिएटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली कैसे बनी थी। ठीक है, तो जो बेस्ट थियोरी है इसकी, बेस्ट थ्योरी वो क्या बोलती है, कि जो इंडस वैली के लोग थे, इट वॉज क्रिएटेड, दिस सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड बाय नियोलिथिक सेटलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, एंड डिक्लाइन कैसे हो गई, इसकी भी कुछ थ्योरीज हैं, वो हमें देखना है, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या लोगों ने इसके बारे में कहा है वो देखेंगे। इसके डिफरेंट थियोरीज हैं कि आर्यन वहां पे आए थे, इन्वेड किया था उन्होंने, लोगों को काफी मारा था, ठीक है, कत्लोगारत हुई थी, एंड उनके इन्वेजन से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई थी। एंड ये जो इंडस आर्यन इन्वेजन थियोरी है, ये हमें दी थी मॉर्टिमेर व्हीलर ने। ठीक है, ये नाम पता होने चाहिए कौन सी थियोरी किसने दी थी। सेकेंड वन वॉज थेरी ऑफ फ्लड्स, कि फ्लड वहां पे आए थे, इस वजह से जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई थी, थेरी ऑफ फ्लड्स, ये हमें किसने दी थी, जॉन मार्शल ने। एंड थर्ड वन वॉज एरिडिटी एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर, कि रिवर आपका सूख गया था, जो वहां पे रिवर्स थे, डिफरेंट रिवर्स, खासकर आपका रिवर्स गागर हाखरा, वो ड्राई अप हो गया था, इस वजह से जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है सरवाइव नहीं कर पाया था। ठीक है, एंड ये थियरी दी थी अमलंदा घोष एंड डीपी अग्रवाल ने। और एक इंपॉर्टेंट थियरी, थियरी ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, ये दिया था फेयर सर्विस ने। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसे हो गया, जो भी वहां पे रिसोर्सेज आप यूज करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी, ज्यादा रिसोर्सेज आप यूज करने लगे, इस वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, एंड लास्ट की दो थियरीज अभी रहती हैं, कंजर्वेशन ऑफ हरप्पास, कि कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पे नहीं हुई थी, ठीक है, विदाउट एनी एडवांसमेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन जो है केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, तो लोग क्या हो गए, वहां से माइग्रेट करना शुरू हो गए। दिस थियरी इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ हरप्पास। एंड ये दी थी आपकी एक काफी फेमस हिस्टोरियन है, रोमिला थापर एंड अल्चिन ने। ठीक है, बस लास्ट वन देख लो, सिक्स फेलियर ऑफ मॉनसून,
ये मोस्ट रिसेंट वाली है कि मॉनसून जो है मॉनसून का फेलियर हो गया, तो बारिशें नहीं हुई, बारिशें नहीं होने की वजह से एग्रीकल्चर वगैरह वो सारी चीजें खत्म हो गई एंड आपकी जो सिविलाइजेशन है इस वजह से डिक्लाइन होगी, सरवाइव नहीं कर पाई। एंड ये थियरी किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय दी रिसर्चर्स ऑफ IIT खड़गपुर। मैं एक ही साथ लिख देती हूँ उसका नाम, फेलियर ऑफ मॉनसून। बाय IIT खड़गपुर। ठीक है, ये मोस्ट रीसेंट थियरी है इसकी, IIT खड़गपुर। तो ये जो है नोट्स आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है खुद के नोट्स बनाने का। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा वैदिक एज, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको इनसे बेनिफिट होता है कि नहीं। टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।